हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैय इंस्टीट्यूट। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने संधि का पाठ देखा था, जिसमें हम लोग स्वर संधि के दो भेद तक देखे थे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में स्वर संधि के जो पांच भेद होते हैं, उसमें से तीसरे भेद क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि संधि का, है ना। वृद्धि संधि क्या होता है, देखिए। वृद्धि संधि इस सूत्र होता है वृद्धि रेचि, संस्कृत में बोले तो वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि में अ या आ प्रथम वर्ण शब्द के अंतिम वर्ण रहेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा, या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा। ठीक है, और दूसरे शब्द में ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ या औ, आगे रहने पर ये इन दोनों में से कोई रहेगा, आगे रहने पर वृद्धि संधि होगी। क्या याद रखना है अपने को, पहले शब्द में क्या रहेगा, पहले शब्द में अ या आ रहेगा, दूसरे शब्दों में क्या क्या हो सकता है, ए ए ओ औ, ये चारों कोई भी हो सकता है। तो याद रखिए, अगर वृद्धि होता है, वृद्धि होना मतलब समझ रहे हो, बढ़ जाना, तो ऐसे ही सिंपल याद रखो, वृद्धि हो गया, बढ़ गया, यानी अ आ रहे, यहां पे ए आए, अ के साथ ए आए, इस चार थ्रो से बन सकता है। देखो, अ के साथ ए आएगा तब भी ए बनेगा, अ के साथ ए आएगा तब भी ए बनेगा, आ के साथ ए आएगा तब भी ए बनेगा, आ के साथ ए आएगा तब भी ए बनेगा। बस कुछ भी आए, अ के साथ ए रहे या आए रहे, आ के साथ है या अ के साथ है, हमारा वृद्धि ही बनेगा, मतलब बड़ा वाला बनेगा। ठीक है, दूसरा अ या आ के साथ ओ या औ कुछ भी रहेगा, तो यहां पे दोनों में से ये तो इसके इसका भी चार को कंडीशन बनेगा। चार ठो कंडीशन क्या बनेगा, अ का के साथ ओ हो सकता है या अ के साथ औ हो सकता है, आ के साथ ओ हो सकता है या आ के साथ औ हो सकता है। तो चार कंडीशन बनेगा और चारों में क्या बनेगा, औ ही बनेगा, मतलब बड़ा वाला बन जाएगा, ए बनेगा और औ बनेगा। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि इसको एकदम क्लियर कर लेना है, एग्जाम्पल देख के ही क्लियर कर लेना है, और एग्जाम्पल ही आपको काम में आएगा ज्यादा, तो एग्जाम्पल पे एकदम फोकस करना है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या है उसको देखिए, पहले ए का उदाहरण देखते हैं। तो एक जोड़ एकम, यहां पे देखिए पहले वर्ण में क्या है, क में क्या है, अ है, और ए ए यहाँ पे क्या, ए तो अ या ए मिलाओ क्या बनने वाला है, ए ही बनेगा। तो एक जोड़ एकम क्या बन गया, एक कै ए हो जाएगा, ए तो ठीक है ए ही होना चाहिए, ए कै मतलब क पे क्या हो गया, एकार हो गया, एक एकम। तव जोड़ असर्यम है ना, तो देखिए अ व में क्या है, अ और यहां ए है, तो अ जोड़ ए मिलके ए बनता है, तो देखिए क्या हो गया, वय हो गया, एकार का मतलब वय, तय वर्ष तय वस्यम तय वर्ष वर्ष्यम तव जोड़ असर्यम तवश्रम तवश्रम। ठीक है, सदा जोड़ एव, सदा में क्या है, आ है और इसमें ए है, तो आ और ए मिलके क्या बनेगा, अ ही बनाएगा, तो क्या बन गया, सदैव। तथा जोड़ एव, तथा में आकार है और यहाँ ए है, तो क्या बनेगा, ए, तो तथैव हो गया। ठीक है, अब औ का उदाहरण देखिए, औ क्या है, कुछ भी रहे, आ जोड़ औ मिलके औ, आ जोड़ औ मिलके औ, अ जोड़ औ मिलके औ, मतलब हमेशा औ ही बनाएगा, बड़ा वाला बनाता है, याद रखिएगा। महा जोड़ औषधि, महा में क्या है, आ है और यहाँ औ है, तो महौ हो जाएगा। देखिए आ जोड़ औ क्या मिलेगा, महौ, तो देखिए ये तो रहेगा, ये वाला हटके क्या हो गया, औ बना दिया, तो महौषधि हो गया। गंगा जोड़ औधा क्या बन जाएगा, आ जोड़ औ मिलके क्या बनता है, औ, तो क्या हो गया, गंगा औधा। तस्य जोड़ ओदना, तस्य में देखिए, तस्य में क्या है, अ है और ओदना में क्या है, ओ है, तो क्या बनेगा, ओ बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, तस्य ओदना। ठीक है, तो इस तरह से इसके उदाहरण है, अभी बहुत सारा और एग्जाम्पल लेंगे और उसको अच्छे तरह से समझते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, ये इसका सूत्र हो गया, अ या आ रहे प्रथम वर्ण में, इधर ए ए रहे तो ए हो जाएगा, अ या आ रहे इधर ओ औ रहेगा, तो उसका बड़ा वाला औ हो जाता है, ये इसका सूत्र हुआ एक तरह से, और इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और समझ जाने हैं, ये भूलना नहीं है। पहला क्या था, अ के साथ ए मिलेगा तभी क्या बनेगा,
है बनेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ममा जोड़ एकम, ममा में क्या है देखिए यहाँ पे अ है और ए है तो क्या बनेगा ए, तो ममा एकम हो गया। ततः ततः जोड़ एव, ततः जोड़ एव ततैव मतलब ए बन गया ततैव दू लग गया यहाँ पे। धन जोड़ एनम धनैनम, धन जोड़ एनम न में क्या है अ है और ए मिलके क्या बनेगा धनैनम। तस्य जोड़ एस तस्य जोड़ एस तो यहाँ त में क्या है अ, अ जोड़ ए मिलके क्या बनाएगा अ जोड़ ए मिलके ए बनाएगा तो क्या हो गया तस्य ऐसा, तस्य जोड़ एस तस्य ऐसा ठीक है। ये तो अ का उदाहरण हुआ। अब आ वाला देखिए, आ जोड़ ए मिलके भी क्या बनाएगा ए। इतना एग्जाम्पल कर लो कि बाकी ही नहीं रहे, अभी का अभी सारा का सारा याद हो जाए। और आप लोग इसको देख के एक बार लिखिएगा भी, जब वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम में इसको लिखते चलिए, जब लिखिएगा ना तो आपको अभी ही याद हो जाएगा। सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव क्या बनेगा देखिए, द में क्या है आ है और ए है, आ और ए मिलके क्या बनाएगा ए, तो क्या हो गया सदैव हो जाएगा। अधुना जोड़ एव, धनु अधुना ना में क्या है आ है और ए है तो क्या हो गया अधुनैव, अधुनैव अधुना जोड़ एव क्या बनेगा अधुनैव। बहुत आसान हो जाएगा, जिस तरह से बता रहे उस तरह से ध्यान देते चलिए और लिखते चलिएगा। और जोड़ ओ मिलके क्या बनाएगा, तो अभी बताया कि बड़ा वाला हो जाता है तो औ हो जाएगा। देखिए तव, व में क्या है अ और यहाँ क्या है ओ, तो औषधि, तव जोड़ औषधि क्या बन जाएगा औ हो जाएगा तो तव औषधि हो जाएगा। जल जोड़ औषधि, जल जोड़ औषधि है ना, तो जल जोड़ औषधि मिलके क्या बनाएगा जल औषधि है ना, यहाँ जल जोड़ औषधि तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए, ल में अ है और यहाँ उकार है तो क्या बन गया जल औषधि हो गया। आ जोड़ ओ मिलके क्या बनाएगा, और हमेशा बड़ा वाला बनता है याद रखिएगा है ना। आज हम लोग कौन सा स्वर संधि पढ़ रहे हैं, यन संधि, सॉरी यन नहीं वृद्धि, वृद्धि पहले पढ़े थे दीर्घ संधि, उसके बाद पढ़े थे गुण संधि यन, उसके बाद अभी आज पढ़ रहे हैं हम लोग वृद्धि संधि और उसके बाद पढ़ेंगे यन संधि और एक लास्ट होता है अयादि संधि ठीक है। तो आज हम लोग कौन कौन देखेंगे वृद्धि और यन, तो वृद्धि का अब लास्ट पार्ट चल रहा है। देखिए आज और औ मिलके क्या बनाएगा औ, तो गंगा में देखिए अकार है और औषध में क्या है औ है तो औ बनाएगा गंगौध हो जाएगा। महाज और औषधि क्या होगा महौषधि, महौषधि बन जाएगा। एकदम आसान होता है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए बस, लेकिन हाँ जितने चीज उदाहरण दे रहे हैं उसको लिखते चलिए। अब चलिए अ जोड़ औ मिलके भी औ बनाएगा, तो देखिए मन जोड़ औदर्यम, मन न में क्या है अ और औ, अ और औ मिलके क्या बनेगा इसके उदाहरण है सारे, तो मन मनौदर्यम हो जाएगा। राम जोड़ औदनम, राम म में अ है औ है तो रामौदनम हो जाएगा, राम औदनम हो जाएगा। और आ और आ औ मिलके भी औ बनाएगा, तो गंगा जोड़ औदर्यम गंगोदर्यम हो जाएगा, गंगा जोड़ औदर्यम तो क्या होगा गंगौ हो जाएगा, औ बन जाएगा गंगौ और ये दर्यम जोड़ दीजिए यहाँ से। रमा जोड़ रमा में क्या है आकार है और यहाँ पे औ है तो क्या होगा रमौदर्यम हो जाएगा। इतना आसान है ये ठीक है, तो आगे की तरफ एकदम गाने की तरह रट जाओ, गाने की तरह रट जाओ है ना। क्या क्या क्या, क्या हम लोग सीखे याद रखिएगा, यहाँ पे कौन है अ या आ कोई रहे, यहाँ पे भी अ या आ कोई रहे, इधर अपने को क्या हो ए या ए मिले है ना तो ए ही हो जाएगा, और यहाँ पे ओ या औ मिले तो औ ही हो जाएगा। इतना आसान है ठीक है, ये वाला अगर फॉर्मूला याद रखेगा कोई भी आएगा बन जाएगा है ना। अब आते हैं यन संधि, इको यंची संस्कृत में इसका सूत्र होता है इको यंची ठीक है। यन संधि में क्या होता है सुनिए, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हर्षी या दीर्घी, हर्षु या दीर्घु, री होगा तो द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो, इसमें प्रथम वर्ण में आएगा हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री और दूसरे बाद वाले में कोई भी स्वर वर्ण हो तो क्या होता है सो इसमें यन संधि होगा। और यन संधि में क्या क्या होता है सो सुनिए, हमने बोला कि हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष ई दीर्घ ई और इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर होगा तो ई का य, उ का व, री का र, लि का ल, याद कर लीजिए गाना की तरह
ई का य, उ का व, री का र, लि का ल, ई का य, उ का व, री का र, लि का ल हो जाता है एकदम याद। ई का य, उ का व, री का र, लि का ल, ई का य, उ का व, री का र, लि का ल, ठीक है। एकदम ऐसी गाना की तरह एकदम लयबद्ध करके याद रखिए, आसानी से याद हो जाएगा। यन संधि में यदि प्रथम वर्ण में हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री और लिरी हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, तो ई का य, उ का व, री का र, लिरी का ल हो जाता है, ठीक है, याद हो गया। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए इस पर बेस्ट, है ना। पहला क्या है, हर्ष ई प्लस भिन्न स्वर, तो ई का य होता है, पता है इति जोर अत्र, इति में क्या है हर्षिकार है, अत्र में क्या है अ, तो ई और इधर में तो कोई भी रहे उसे मतलब नहीं है, तो ई का क्या हो जाता है य हो जाता है। तो देखिए हर्षिकार था तो ई का इति जोर अत्र, इति अत्र कैसे हुआ आप सुन लीजिए, यहाँ पे हर्षिकार था पूरा यानी पूरा त था, अब यहां से हम तो आधा निकाल लिए, आधा ई और य, इसका ई और य मिलके क्या बनाया य बनाया, ई और अ मिलके क्या बनाया य बनाया, तो इसका जब हर्षिकार यहां से आधा निकाल लिए तो क्या बच गया, केवल आधा त तो बच गया, तो इत्यत्र हो जाएगा। यदि जोर अपि, यदि जोर अपि, यदि में क्या है हर्षिकार है और अ में क्या है अ है, तो ये ई का य होता है, पहले ही पता है ई का य हुआ, तो क्या होगा यद्यपि हो जाएगा। उ का कोई भिन्न स्वर, उ का व होता है, ई का य, उ का व। अब देखिए मधु जोर अरि, मधु में क्या है हर्षुकार है और यहाँ अ है, कोई भिन्न स्वर है, तो उ का व हो जाता है, तो मधु, मधु का क्या बन गया, देखिए इसका हर्षुकार निकाले और इसका अ निकाले, इसका हर्षुकार और इसका अ निकाले और ये बन गया व, तो इसका हर्षुकार निकाल लीजिएगा तो क्या बन गया आधा हो गया, तो मध्वरी हो गया। सु जोर आगतम, और ऊ का व हो जाता है, तो सु में से ऊ निकाल चुके हैं तो आधा स बन जाएगा स, और यहाँ ऊ का व हो गया और आगतम, सु जोर आगतम क्या बन जाएगा स्वागतम। वधु जोर आज्ञा, वधु में दीर्घकार है और अ है, कुछ भी रहे यहाँ पे ऊ हर्षु रहे या दीर्घ ऊ का व हो जाता है, यहां से तो मतलब ही नहीं है केवल स्वर होना चाहिए, तो ऊ का व, तो वधु जोर आज्ञा वधु आज्ञा, है ना, वधु का वधु आज्ञा हो जाएगा। री का क्या बनेगा र, जैसे पितरी जोर आज्ञा, त्री में क्या है री है और आ है, तो री का क्या बन जाता है र, तो क्या हो गया पितरी त्री। देखिये यहाँ त तो आधा त तो बच गया और यहाँ मिलके क्या आ मिलके क्या बनेगा, इन दोनों मिलके क्या बनेगा र, तो पी आधा त और र त्र बन गया, तो पित्राज्ञा हो गया। मात्री जोर आदेश मात्रादेश, मात्री जोर आदेश मात्रादेश, इस तरह से आपका जो स्वर संधि का पांच चौथा वेद था, है ना, वो खत्म हो गया। एक और बच गया है अयादि संधि और उसके बाद व्यंजन संधि, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और एकदम रट जाइएगा और उम्मीद करते हैं कि सारा समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।